दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके घंटों का काम मिनटों में होगा और मिनटों का काम सेकंडों में होगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो दोस्तों आपके दो काम आसान हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी मशीन बनाने वाला है जो आपके बहुत काम आने वाली है। और दोस्तों इस मशीन को कैसे बनाना है मैंने वीडियो में पूरी डिटेल के साथ दिखाया है, तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों उस मशीन को बनाते हैं। दोस्तों वीडियो में हम पहले इस मशीन को बनाएंगे और बाद में मैं आपको समझा दूंगा कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों उस मशीन को बनाते हैं।
दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो स्विच लगाए हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई को दिया है, जिससे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि एडाप्टर जुड़ा हुआ है जो कि 12 वोल्ट का है। और दोस्तों यहाँ पर एक मोटर है, इस पर हमने जो है एक स्टैंड बनाया है जिस पर मोटर को जो है रखा है, और यहाँ पर बोतल है और इस बोतल के अंदर जो है दोस्तों एक वायर को लगाया है। दोस्तों इस एडाप्टर को जो है मैं प्लग में लगाता हूँ। दोस्तों एडाप्टर को जो है मैंने प्लग में लगा लिया है, आप देख सकते हो कि प्लग में लग चुका है। और अब हमें इस वाले स्विच को नीचे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले स्विच को नीचे किया और इस वाले को आगे, तो दोस्तों आगे आगे। अब दोस्तों हमें इस वाले को और आगे करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरह से ये वर्क करता है, और मैं आपको थोड़ा इस तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो कि अंदर का जो ब्लेड है वो घूम रहा है, और इस मशीन से हम जूस बनाएंगे। दोस्तों इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जूस जो है नीचे नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि इसे हटाते ही कितना सारा जूस जो है निकल रहा है। दोस्तों इसे हटाते ही हम इसे साइड में रख देंगे, और बाद में जो है मशीन को ऑन करेंगे, और बाद में आप देखना कि किस तरह से मशीन जूस को बाहर निकालती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरह से मशीन वर्क कर रही है, और पहले के मुकाबले अभी जो है मशीन बहुत अच्छा जो है जूस बाहर निकाल रही है। पहले जो है दोस्तों वो पाइप जो था वो जूस को नीचे नहीं जाने दे रहा था, और अब जो है दोस्तों ये जाने दे रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा गिलास जो है वह भर चुका है, और अब मैं आपको ये जूस पीकर बताता हूँ कि ये किस टाइप का बना है। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं जूस को पी रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया जूस बना है। दोस्तों आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही छोटी चीज़ है। इसे ऑन करते हैं तो हमारी मशीन जो है वो ऑन हो जाती है। और दोस्तों हमने यहाँ पर एक इमरजेंसी स्विच को लगाया है, आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटा सा है, इसे भी इस तरह से ऑफ कर सकते हो। आप मशीन को जो है दोस्तों इमरजेंसी में यहाँ से ऑफ कर सकते हो, अभी यहाँ से ऑन कर देते हैं, और दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। आपने देखा कि मैंने किस तरह से इससे जूस निकाला। ओनली फॉर दोस्तों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाले दोस्तों वायर जो है ये निकल रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर दोस्तों एक टेप को जो है लगा लिया है। टेप दोस्तों यहाँ पर मैंने लगा ली है, और ये जो है दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आने वाले दिन में एक थोड़ा बड़ा जो है प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें दोस्तों इसको थोड़ा
अपडेट करके दिखाऊंगा। ये वाली बहुत ही छोटी मशीन है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी बोतल है और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है ये जूस। इसको जो है दोस्तों इस तरह से आड़ी जो है दोस्तों इसको बोतल को जो है खड़ी करके जो है नीचे मोटर लगानी पड़ेगी ताकि इसको जो है ये ठीक तरह से पीस पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।